आप सभी लोगों का स्वागत है कृष्णा यूनिवर्स में और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं और हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी की भूख मिटाने के लिए, सॉरी प्यास मिटाने के लिए, हम गए पेट्रोल पंप पर, फिर अपनी गाड़ी को पर्याप्त ईंधन पिलाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और फिर आज देखिए मौसम कितना अच्छा है, ये पेड़ के जो पत्तियां कितनी हिल रही हैं, बहुत प्यारी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है और हम घूमने जा रहे हैं, ये दूसरा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो हमारी गाड़ी को पेट्रोल पिलाकर हम आगे को बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, हमारे बाल भी उल्टे सीधे उड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना, हवा बहुत प्यारी है। ये देखिए नया रोड बन रहा है और हमने हमारी गाड़ी का अभी हैप्पी बर्थडे मनाया ही है, एक साल पूरा हो गया हमारी गाड़ी को। तो अब हम नए रोड पे नई गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। और भी कहीं जाने की खुशी होती ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये ग्रामीण इलाका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, हरियाली देख कर बहुत अच्छा लगता है, वरना गर्मी का असर तो हमको साफ साफ दिखाई देता है। तो हमें जाने की बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए ट्रैक्टर ट्राली और ये सारी व्यवस्थाएं, देखिए रोड का काम चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। न्यू चीज़ कोई भी होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर गांव में विकास होता है तो इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती है, क्योंकि शहरों में तो विकास बहुत आसानी से हो जाता है और लेकिन गाँव में बहुत समय लग जाता है इस चीज़ को। लेकिन देखिए यहाँ पर रोड का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा है। पहले यहाँ का रोड काफ़ी गड़बड़ था, ये देखिए कोई सा गांव आ गया है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा गांव दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जैसे घर दिखाई दे रहे हैं तो उसके साइड से एक ना एक पेड़ भी है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए हम लोग निकल रहे हैं, बहुत हमें जल्दी हो रही है इसलिए हम बहुत फटाफट तैयारी करके निकले हैं। घर से भी हमने बहुत कोशिश करी जल्दी निकलने की और हम फिर निकल पाए। वैसे भी जब कोई आते हैं तो हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन हमने उसको भी मैनेज कर लिया और हम बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं एक छोटे से मेहमान से जो कि बहुत प्यारा है। आप लोग उसको जा रहे हैं चीनू के खेत में, और आज मौसम बड़ा बेईमान है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। बहुत प्यारी हवा चल रही है, हाँ हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत मजा। तो हम लोग जा रहे हैं खेत में घूमने और रानी बीच बीच में बोल रही है जैसे कि उसकी आदत है और इसके खेत में दवाई चल रही है। ये देखो ये पीछे दवाई डाल रहे हैं, दवा डाल रही है, देखिए कितना अच्छा मौसम है, बहुत ही बढ़िया, जैसा हरा हरा खेतों में लग रहा है वैसी मेरी हरी हरी साड़ी है। रानी कोई कमेंट नहीं कर रही है, नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, बोल सकती है रानी, बोल रहा मौसम में हम खेत की तरफ घूमने जा रहे हैं, हमारे खेत पास में ये घूमना कि घूमना हो जाएगा और खेत को भी दिखा देंगे, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा, उसके बाद हमको खाना भी बनाना खाना है, लेकिन अभी लाइट ही है ना इसलिए भी हम लोग घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, दिखाओ ये मंदिर थोड़ा दूर है इसलिए आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग चलते हैं और आपको दिखा। यहाँ से ओम की मस्ती चालू हो गई है, वो आइसक्रीम से आम खला रानी आम, आइसक्रीम खाते खाते मैं अपने कैमरे पर को भी आइसक्रीम खिला रही हूँ इसीलिए थोड़ी सी ब्लर फोटो आ गई, हमें ध्यान ही नहीं रहा ये चीज़ का, हम एंजॉय करने में इतने बिजी हो गए। और यहाँ पर भी हम चीनू को खिला रहे हैं, तो चीनू खाना नहीं खा रहा था इसलिए हमने उसके साथ थोड़ा खेल खेल में उसको खिलाने का प्रयास किया, लेकिन चीनू तो चीनू है, वो भी कहाँ मानने वाला था, वो हमसे ज़्यादा आगे है। चीनू भी कहाँ मानने वाला था, वो भी अपने घोड़े की सवारी में इतना मस्त है कि हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कि उसका घोड़ा उसका खाना ख़त्म कर रहा है, लेकिन हमको इस बात से बहुत मज़ा आ रही थी, वो गुस्सा भी कर रहा था कि मुझे ये नहीं खाना है,
तो लेकिन आजकल के बच्चों को कितनी च्वाइस होती है ना, ये देखने को बड़ा मज़ा आता है कि भाई देखो बच्चे खाने पीने में भी इतना चूज़ करके खाते हैं, लेकिन हमारे समय में इतने ऑप्शन भी नहीं थे। और मैंने तो दाल चावल ज़्यादा खाए हैं, मुझे अभी भी याद है काफ़ी दिनों तक हम लोग जब तक छोटे रहे तो हम एक समय तक तो दाल चावल ही शाम को खाते थे, रोटी तो खाते ही नहीं थे, इतनी पसंद थी। और बच्चों को पसंद होते भी हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को तो खाने के लिए और भी। मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ इसलिए मुझे तो बहुत प्यार दुलार और स्नेह मिला सभी का, क्योंकि पहला बच्चा होने की वजह से परिवार में कोई और बच्चे थे ही नहीं, तो मुझे तो बहुत दुलार मिला है। और मैं तो बहुत इस बात से खुश भी हूँ, बड़े होने का मुझे बहुत वो भी है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, सभी पे मैं अपना रोब जमा सकती हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा भरा पूरा परिवार, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता है, वही हमारा सच्चे साथी भी होते हैं, हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, हम अकेले नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी बात। तो हम लोग आ गए हैं अपनी मौसी के घर और मौसी के घर बन रहा है सभी लोगों का खाना, और बना रही है मेरी प्यारी बहन। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, मेरे कहने से पहले ही उसने हाय कर दिया, ये तो उसकी महान ही महानता है। तो ये देखिए, ये हमारी बन रही है सब्जी और ये तैयार हो रहा है उसका मसाला। हम आलू भटे टमाटर की सब्जी बना रहे हैं और ये इकट्ठा खाना बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। फिर हम इसको बना के कहीं घूमने जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब तक खाना बन रहा है, चीनू के साथ उसके पापा और उसके मौसा जी खेल रहे हैं। हमारे दो प्यारे से मिट्ठू भी हैं जो हमको मिले थे, तो हमने उनको पाल लिया है, अभी वो हमारे पास ही हैं। तो बहुत छोटे हैं इसलिए उनको देखभाल की ज़रूरत है, तो उन्हीं के साथ में हम सभी लोग खेल रहे हैं। मैं भी उनका वीडियो बना रही हूँ, मेरे साथ भी वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत ही प्यारे मिट्ठू। हम सभी लोग खाना खा के आगे को बढ़ते हैं। ये आंवली घाट है, यहाँ पे नर्मदा जी का घाट है और बहुत सुंदर मंदिर है। अब जब हम जब भी मंदिर में नीचे जाएंगे आपको वहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे, बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पे भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति भी है जो कि बहुत दूर से दिखाई देती है, आपको शायद अभी भी दिखाई दे। और ये नर्मदा नदी है और नीचे यहाँ पर घाट है, घाट पर सभी लोग स्नान करते हैं जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं। हमको जाने की जल्दी है इसलिए हम यहाँ पे ब्रिज पे रुके नहीं हैं, नहीं तो रुककर आपको और अच्छे से दिखा देते। और पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ मैं आंवली घाट का, कि यहाँ पर नर्मदा जी का घाट है और बहुत ही सुंदर दृश्य है, और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु आते हैं, रुकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला भी बनी हुई है तो यहाँ रुक भी सकते हैं, और यहाँ पर एक साधु भी हैं जो यहाँ पर तपस्या करते हैं, और पानी के बाढ़ आने के बावजूद भी वो वहाँ से नीचे नहीं उतरते हैं, एक ऊंचा स्थान है यहाँ पर, तो वो भी देखने योग्य है, मैंने लेकिन दूर से ही देखा है। तो ये नर्मदा जी का घाट बहुत ही पावन पवित्र है और यहाँ पर लोग आते हैं और नर्मदा परिक्रमा करते हैं, और जब तक उन्हें यहाँ समय गुजारना होता है पूजन पाठ करते हैं और अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं, शादी विवाह तक के भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं। ये जो द्वार दिखाई दे रहा है ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से भी जाते हैं। अब हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, दूर से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर हमको कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे दुकानें या सीढ़ियाँ। तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और ये सलकनपुर धाम जाने का रास्ता है, तो ये दूर से हमको दिखाई दे रहा है, हमें दूर से दर्शन हो रहे हैं। अभी हम इसके जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा कि सामने मंदिर है और ये उसकी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अभी नवरात्रि होने की वजह से सीढ़ियों से नहीं जा रहे हैं, और जो हम अपने फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो वो गाड़ी भी ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से अव्यवस्था उत्पन्न ना हो इसीलिए गाड़ियों को नीचे रोका जा रहा है, और यहीं से टैक्सी हमको उपलब्ध कराई जा रही है और उसी से हमको ऊपर जाना है और नीचे भी आना है। 130 रुपये पर सवारी ले रहे हैं, जाना आना उसमें शामिल है। ये देखिए, गाड़ी पर से इन लोग का पर्स गिर गया था और नीचे गिरने की वजह से सारा सामान फैल गया, तो हम लोग देखने लगे तो उनको हंसी आने लगी, तो उन लोग हंसते हुए उधर मुंह फेर लिया। तो ऐसा हो जाता है, एक गाड़ी पे तीन लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। ये देखिए, ये पहाड़ कितना सुंदर है, यहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे हैं,
और पेड़ पौधे भी यहाँ के थोड़े से अलग हैं। और इन पहाड़ों पर हम क्योंकि देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हम जयकारा लगाते ही जाते हैं और घूमते हुए जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम देवी जी के पास जा रहे हैं, उनके दर्शन होंगे और फिर हम अपनी उनसे मनोकामना मांगेंगे, फिर वो मनोकामना पूर्ण होगी, फिर हम दोबारा से आएंगे। तो देवी जी के दरबार में आना भी कोई छोटी सी बात नहीं होती है, और अगर ये हमारे हाथ में होता तो हम कभी भी आ जाते, लेकिन माता पुकारती हैं, बुलाती हैं, तभी हम जाते हैं। तो ऐसा है और इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सीन है, ये दोपहर का समय है, अभी धूप भी तेज है, इसलिए थोड़ा सा मौसम तो गर्मी का ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि हम दर्शन करने जा रहे हैं, खुशी के साथ जा रहे हैं, इसलिए और अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितना, यहाँ से हमें टैक्सी लेनी है और टैक्सी में हम बैठ के आगे को बढ़ जाएंगे ताकि हम देवी जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ पाएँ। तो हम टैक्सी ले चुके हैं और उसमें बैठकर आगे बढ़ गए हैं। हम माता रानी के मंदिर में दो बार आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूजन होती है, और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मुंडन का कार्यक्रम भी हम वहीं ऊपर देवी जी के वहीं करवाते हैं, तो हमें वहाँ जाना होता है। तो इसमें हम परिवार के सभी सदस्य मिल के जाते हैं और वहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम होता है, उसके बाद सभी का खाना पीना भोजन व्यवस्था होती, इसके बाद हम दर्शन कर शाम को अपने घर सीधे आते हैं, बीच में कहीं रुकते नहीं हैं। ये हमारे यहाँ ऐसा रिवाज चला आ रहा है, और देवी जी की पूजन हम सभी लोग करते हैं मिलके, लेकिन चाहे कुछ भी हो लेकिन हम वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। साल में दो बार तो जाते ही जाते हैं, लेकिन इस बार तो बड़ी कृपा रही कि हम जा पाए और सभी लोग साथ में गए, चीनू भी हमारे साथ में है, तो और अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी की वजह से उसको शायद थोड़ी समस्या हो रही है, वो मुस्कुरा नहीं रहा है, लेकिन हम लोग तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमको गर्मी का भी असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें जाने की इतनी खुशी है ना, उस खुशी में सब चीज़ दब गई है। तो हम लोग बहुत खुश होकर जा रहे हैं कि हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि पूरा परिवार साथ में है, तो बहुत ही इंजॉयमेंट हो रहा है हमारा, और दर्शन तो करना है ही हमको, इसीलिए तो हम आए हैं। और इतना मुश्किल से ये समय हमने मैनेज किया है, बहुत काम रहते हैं घर में भी, हम कर नहीं पाते हैं, पर लेकिन अगर फैमिली साथ में होती है तो सब एडजस्ट हो जाता है, ये बात बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग ऊपर जाते हैं, फिर हम उतरेंगे कार से, कार से उतरने के बाद हमको उतर के पैदल चलना होगा, और इतनी कड़कड़ाती धूप में जब हम पैदल उतर कर चल रहे हैं तो हमको भूख लगने लगी है। और देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो चल रहे हैं, देखिए कोई खड़ा नहीं है, सब चलते जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। ये निर्माण कार्य पीछे चल रहा है, आपको दिखाई भी देगा, मैं भी दिखाऊंगी आपको भी, ये चीज़ भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये रानी को देखिए ज़रा, रानी मुझसे दूर हो ही नहीं रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी है रानी, और हमारा फैमिली भी बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये देखिए हम मंदिर में माता रानी के दर्शन करने से पहले जो रास्ता है वहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं बहुत सजी धजी हैं, इसमें माता रानी की चुनरी है, नारियल है, अगरबत्ती है, माला है, और उनकी फ़ोटो भी है, आपको जो चाहिए सारी दुकानों पे सारी व्यवस्थाएं हैं, और गर्मी में जो हमें चाहिए वो चीज़ें भी यहाँ पर आसानी से मिल रही हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए कितनी सब दुकानें बहुत ही सुंदर लग रही हैं, ऐसा मन हो रहा है सारी चीज़ें देखते चलो, वो कलरफुल होने की वजह से हमको ये अट्रैक्टिव भी लगती हैं, तो हम रुक कर देखते भी हैं, और कुछ चीज़ें नई नई जो होती हैं जी, यहाँ पे लड्डू गोपाल की ड्रेस भी बहुत अच्छी मिलती है, पिछली बार ख़रीदी थी, इस बार देखते हैं अगर मिल पाएगा समय तो, क्योंकि हमें जल्दी जाना भी है, शाम तक हमको घर भी पहुँचना है, तो इसलिए हम आगे को बढ़ते हैं। ये देखिए दुकानें कितनी अच्छी लग रही, बच्चों के खिलौने भी बहुत सुंदर सुंदर है, बच्चों से ज़्यादा तो मुझे पसंद है बच्चों के खिलौने, कितने अच्छे लगते हैं ना। और ये देखिए माता रानी की जय माता दी की पट्टियाँ भी लटकी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं सारी दुकानें एक से एक बार। ले लिया होगा तो सब अंदर चले गए, ठंडाई 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 ठंडाई। अच्छा यहाँ पे गन्ने के जूस वाले भैया बहुत मजाक कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था उनकी बात सुन के। फिर इसके बाद हम सभी लोगों ने गन्ने का जूस भी पिया, चिप्स और पापड़ का मज़े लिए, और सभी लोगों ने खाया, बहुत अच्छे लगे, और पैदल चल के आए तो भूख तो लग ही रही थी, तो सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस चीज़ को,
बच्चे तो कर ही रहे थे, उनके साथ हम भी बच्चे बन गए और हमने भी खाया और बहुत मजे आए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय माता।